पाकिस्तान की ओर से यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट पर भारत में रूस भड़क गया। रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राजदूत अलिपोव ने कहा है कि हाँ, इस तरह की कई रिपोर्ट्स और जानकारी मिली है, हम इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। There have been reports and the information about such instances. We take this information very seriously. Frankly, such examples, if confirmed, is a very explicit anti-Russia actions which we cannot ignore, and as I say, we have watched very closely the news and the reports and take them very seriously, because they influence the situation on the ground very directly and do not go contrary to the efforts aimed towards the quickest, the fastest and the peaceful resolution of the conflict. पिछले कुछ समय से ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है जिसमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि रूस और यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका हमेशा तटस्थ रही है। पाकिस्तान की ओर से यूक्रेन को किसी तरह का कोई हथियार नहीं दिया गया। अटकलों का बाजार उस समय गर्म हो गया जब जुलाई महीने में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेवा ने पाकिस्तान की यात्रा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपनी हुई इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारियों समेत दूसरे बड़े लोगों से मुलाकात की। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन पाकिस्तान के चाल चरित्र चेहरे पर भला कोई भरोसा करे तो कैसे करे। अब ऐसे में रशिया इस तरह की खबरों से पाकिस्तान से खासा नाराज है और ये हो सकता है कि इसका अंजाम भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।